अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आप मुझे जानते हैं मेरा नाम शेख कासिम है और ये मेरा प्रोग्राम मेहमान कदरदान। आज हमारा स्पेशल एपिसोड है। आज हमारे शो में फर्स्ट टाइम सुने आप, फर्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट लोग आए हैं। मेरा मतलब है आइडेंटिकल ट्विंस एमन और मिनाहिल। एमन कौन, मिनाहिल कौन? एमन इनमें से आप नहीं, आप दोनों में से एक एमन है और एक मिनाल नहीं, तो वो नहीं, कौन नहीं। सी है पहले ये तो बताएं। इंट्रोडक्शन ही गलत दे रहे हैं आप हमारा। ऐसे क्या, ये तो कोई गलत बात है। आज हमारे शो में आप खुद अपना नहीं, आप ये बताएं कि मैं एमन हूँ या मैं मिनाल हूँ। आप एमन मिनाल ना, आप मिनाल एमन। ऐसे नहीं होता, ऐसे तो फिर आप भी कासिम शेख हुए। जो मर्जी कह रहे हैं, नहीं ये चीटिंग है। अच्छा आप खुद प्लीज मुझे बता देना, मैंने शो स्टार्ट करना है। नहीं आपने बताना पड़ेगा। चलो मैं गेस कर लूं। गेस कर ले। अच्छा आप मिनाल हैं और आप एमन। तो आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुक्का लगाया ना। पहले लगा लेना था बस, वो कभी कभार मेरा आपके एमसीक्यूज गलत हो गए। नहीं करता तुक्का लगाने का, तो कभी कभार मैं ना लगा ले। तो मेरे वैसे मुझे शुरू में थोड़ा सा फील हो रहा था शायद मुझे हर चीज दो दो दिखाई दे रही है, मगर अब मुझे नहीं हो गया। आपको ये हर चीज दो दो नजर आ रही है ना, ये दो दो है और हम भी दो हैं और हम लेकिन अलग अलग है, ये सब चीजें दो दो है। मेरा भी एक भाई है, उसका नाम है शेख नादिम। और ये देखे, ये आगे आगे बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये तो बिल्कुल आप जैसा है, ये आपका ट्विन है? हाँ बिल्कुल। भाई प्लीज उनसे मैं एक सवाल कर लूँ छोटा सा, मुझे प्लीज बता दे दो और दो कितने होते हैं? चार होते हैं। चला जाओ अब नाना। अच्छा मुझे बताएं आप दोनों स्कूल जाने के अलावा और क्या काम करते हैं? स्कूल ही जाते हैं हम। स्कूल आपने जाना छोड़ दिया? हम कॉलेज जाते हैं। हम कॉलेज जाते हैं। हम बड़े हो गए। अच्छा ठीक है, आप छोटे नहीं हैं? नहीं आप नहीं हैं छोटे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आप दोनों में से बड़ा कौन है? आप बताएं। ट्विंस है ना, तो ये जितने हुए ना आप दोनों? नहीं ट्विंस में भी फर्क होता है। फर्क होता है, बड़ा छोटा होता है। आप बड़ी हैं, आप छोटी हैं। ये तो आपने बायोग्राफी देख ली होगी हमारी, इसने आपको पता? नहीं नहीं नहीं। कैसे पता लगा मैं बड़ी लगती हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझे तुक्का लगाया है। आप बातें ज्यादा तुक्का लगाया है। नहीं नहीं आप बातें ज्यादा तुक्का लगाया आपने। आप बातें ज्यादा कर रही हैं ना, और आपकी हील भी थोड़ी सी ना बड़ी है, तो अंदाजा लगाया आप थोड़ी सी इनसे हाइट में बड़ी हो गई। नहीं हमारी सेम है। अब ये ना बातें गोल करें सारी, आपस में मिक्स करें। नहीं है, एक जैसी सेम हील है, एक ही शॉप से ली, एक ही जगह से ली, सिर्फ कलर चेंज है। जूतियां भी सेम पहनी हुई कलर चेंज है, शर्ट्स भी सेम पहनी हुई कलर चेंज। और फिर शायद बेंच ना थोड़ा ऐसे हुआ हुआ, इसलिए आपको मुश्किल आ रही है। अब आप कवर कर रहे हैं, आपने गलत बताया। अच्छा मुझे बताएं क्या आप लोगों को ट्विंस होने का कोई फायदा होता होगा? कभी आपने फायदा उठाया? फायदे बहुत सारे उठाए, अभी उठाते हैं, अभी भी उठा लेंगे। आप मौका आप मौका दें, आपसे भी उठाएंगे। चल चल मैं मौका दे रहा हूँ। नहीं ऐसे थोड़ी है, आपको पता थोड़ी लगेगा, फायदा रखा हुआ थोड़ी से उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, फायदा हम मौका देंगे उठाएंगे। नुकसान क्या होता है? जान पड़ जाती है, बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती हो जाती है यानी एक ने गलत काम किया और डांट अगली को पड़ जाती है। हम अकेले के लिए नहीं करते, हम साथ ही करते हैं। प्लान होता है पूरा, प्री प्लान होता है, हर चीज प्री प्लान होती है। हम हर चीज प्लानिंग से करते हैं, पकड़े जाते हैं, हमारे सबको पकड़वाते हैं। फ्रेंड्स होती हैं, हम उनसे कहते हैं तुम लोग करो प्लान, हमने बना दिया, पकड़े नहीं जाते। लेकिन एमन का होता है सारा कुछ मेरे साथ मिलके करना, एंड में नाम मुझ पे लगा देती है कि मिनाल ने क्या मतलब अगर कभी हम कोई बगैर मम्मा को बताए प्लान कर ले, मम्मा को बात पता लग जाए, तो मैं कहती हूँ मिनाल ने बनाया और डांट भी इसको पड़ती है। कभी ऐसा हुआ आप लोगों को खुद भी धोखा हो गया हो कि मैं एमन हूँ के मिनाल हूँ? पिक्चर्स में कभी कभी होता है, हमारा एक प्रोफाइल काफी मिलता है तो हम पिक्चर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये पिक्चर इसकी है, किसकी है? नहीं वो बचपन की पिक्चर्स हैं, जब हम लोग 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के हैं, तो हम बहुत मिलते हैं एक दूसरे से, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं उसमें अभी तक लिटरली नहीं पता कि मैं कौन सी वाली हूँ। तो फिर पिक्चर्स में ये फिर फायदा ये भी हो जाता होगा आप पिक्चर खींच कर? हाँ हाँ हुआ है, स्कूल फीस कार्ड्स में हुआ है, स्कूल फीस कार्ड्स में हुआ होता है,
फीस कार्ड में हमारे ऐसा था कि इमन के बैग में होते थे तो वो कभी घूम जाते थे, तो उसमें जब मैडम डांटती थी कि फीस कार्ड में पिक्चर लगा के आओ तो पिक्चर होती नहीं थी, मेरी कोई पिक्चर पिक्चर तो एक दोनों फीस कार्ड में एक ही पिक्चर चल जाती थी और वो पहचानते भी नहीं थी वो, क्योंकि हम दोनों एक जैसे थे ना। अच्छा मुझे बताएं आपकी बोलने की स्पीड ज्यादा है, इनकी थोड़ी कम क्यों है? नहीं तो नहीं, आपकी भी कुछ बातें ऐसी जो बीच में गायब हो जाती है, थोड़ी देर बाद आती है। वो इससे पता लगेगा कि आप अपनी बहन को कितना जानते हो और आप अपनी बहन को कितना जानते हो। मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है, इस भाई से लेकर आई हूँ। मैं भी नहीं जानती इसको, मैंने तो इसको हॉस्पिटल से ऐसे उठा लिया था तो मेरे साथ रह के खूबसूरत हो गई, वरना काली सी थी, अजीब सी। अच्छा चले चले, आप एक दूसरे को नहीं जानती, ठीक है। ये पसंदीदा राउंड, आपने इनकी पसंदीदा चीज बनाई, आपने इनकी, ठीक है चलें ट्राई कर लेते हैं। अगर बताओ ऐसा मसला नहीं। अच्छा इनका पसंदीदा खाना? इनका पसंदीदा खाना दिमाग खाना है, दिमाग खाती हैं। अच्छा इनका पसंदीदा गाना? जस्टिन बीबर, फेवरेट सिंगर सेलेना गोमेज का न्यू सॉन्ग द हार्ट वांट्स वांटेड। एक्सक्यूज मी, जस्टिन बीबर सेलेना गोमेज का कुछ नहीं कहना, समझ आई आपको? मैंने एक सवाल ऐसे उसका ऐड किया था, मैं बाद में पूछता हूँ। अच्छा इनका पसंदीदा जानवर? बिल्ली। इनके पसंदीदा कार्टून्स? शीशा, अपने आप को देखती है। एक दूसरे को तो ना लगाए? नहीं नहीं, हम लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं। वो अगर बाद में आपको डांट के टाइप है? नहीं नहीं, बहुत स्वीट है। सच सच बताओ ना प्लीज। मैं सच, अच्छा सच सच बताऊं? ओके, इसका फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेरी। पसंदीदा इंग्लिश सिंगर? इंग्लिश सिंगर हाँ, एमन का एनरिके और ब्रूनो मार्स। यानी इनको थोड़े अच्छे और मैच्योर सिंगर पसंद है आपको, बच्चे बच्चे वाले और नहीं। अच्छा इनका पसंदीदा हीरो? टाइगर श्रॉफ। नहीं 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 नहीं, शेर। टाइगर श्रॉफ, वो जो जिसकी बॉडी इतनी है कि पता नहीं क्या लगता है, वो लड़की जैसा लगता है, हीरोपंती का हीरो। हीरो नहीं पसंद, लिटरली इसको वो पसंद है। अच्छा उस फिल्म का भी एक मशहूर डायलॉग था, वो क्या था? किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं, ये हीरो बनती। हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैंने उनको याद आपको है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही थी। नहीं मैं झूठ बताऊँ, मेरा फेवरेट हीरो कौन सा है? पाकिस्तानी, इंडियन या कोई भी? कोई सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सारी को तुम भूल गए। मेरा ऑफिशियल क्रावाज खान, मेरा ऑफिशियल लाला शारी, हमजा अली अब्बासी, इसको सब पसंद है। नहीं ज्यादा बस करो, इतने पसंद करो हैं। अम्मी से डांट पिटेगी ऐसे नहीं? नहीं नहीं पड़ती, सबको पता। हाँ अच्छा इनकी पसंदीदा फिल्म बताओ बताओ कौन सी? अच्छा वो वाली, हाँ मुझे भी पता लगी है वही वाली। हाँ हाँ अच्छा अच्छा इनका पसंदीदा फ्रेंड? हसीब खान एंड अली बड़ायच। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इनका पसंदीदा कजन? अबू बकर। अबू बकर मैं छोटा सा है, एक साल का, वो ही है बस पसंद। मुझे बताएं आपको एक दूसरे से जेलसी होती है? होती होगी, हर बहनों को होती है आपस। नहीं हमारी जेलसी इट्स काइंड ऑफ के कपड़ों पे होता है कि मामा इसके वाले कपड़े हैं, अगर इसका ये वाला ड्रेस है तो मुझे एज इट इज जैसे है, वरना मैं नहीं पहनूंगी। जेलसी नहीं है हमें, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खुश रहते हैं। आप लोग पहले ऐसे ही कहते हो कि काम करना है तो आप लोगों ने एक साथ करना वरना नहीं करना? पहले करते थे जब बचपन में छोटे थे, तो हमने स्कूल्स में भी ऐसे करते थे, स्कूल्स में भी ये करते थे कि हमने एक सीट पे बैठना है, एक फेरे में से दूध पीना है। स्कूल में जाके घर में तो चलती ही नहीं थी ना, मां के सामने टीचर्स के सामने तो चलती थी, एक ही सीट पे बैठेंगे, एक ही फेरे में से दूध पियेंगे, तो वो भी बताती हैं कभी मिलती हैं, तो तुम लोग तो एक ही फेरे में से दूध पीते थे छोटे थे नर्सरी क्लास में। और अदरवाइज जेलेसी का भी रही नहीं, और काम की बात अगर ये आई तो कि उसने भी वही करना है मैंने भी वही करना है, तो वो ये हुआ था कि हम एक दफा का कमर्शियल कर रहे थे, वो बहुत बड़ा कमर्शियल था, मतलब पूरा इवेंट्स वगैरह थे, तो आधे इवेंट्स फिनाल ने किए थे, आधे इवेंट्स मैंने किए थे, और वो डायरेक्टर ने ही कहा था, जब हमने डायरेक्टर को बोला कि नहीं मैंने करना है, इसने कहा मैंने करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है दोनों आओगे, हाफ फिनाल करेगी हाफ तुम करोगे। ये तो फायदा बहुत ज्यादा है, बहुत कमाल है, कमाल है। मुझे धूप बड़ी लग रही है, वो किधर है वो बंदा यार? हाँ इधर आओ जी सर, इधर। हाँ डर जा बेशक,
समझे मेरे पे रखना वो लाइट पड़ी है यार यार इधर रख इधर रख इधर 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 हाँ 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 यार प्लीज यार ऐसे ना कर। अच्छा अब मुझे बताए आप दोनों में से पढ़ाई में कौन अच्छी है? दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे मार्क्स आते हैं हमारे। ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा ही है। अच्छा स्कूल में नहीं मिलते थे क्योंकि स्कूल में हमारे तकरीबन एक जैसे मार्क्स होते थे, लेकिन बोर्ड में करते थे, साथ में करते थे। हाँ एक ना कह रही है, एक नहीं नहीं, लेकिन मेरा रोल नंबर ना इसे हमेशा आगे रहा क्योंकि मेरा नाम ए से आता है, इसका नाम एम से आता है, तो हम लोगों के काफी ज्यादा ना रोल नंबर सीट डिफरेंट होता था, लेकिन नंबर एक जैसे है बोर्ड में भी। एक आध नंबर तो आगे पीछे होगा, एक आध। हाँ मैथ्स में हुआ मेरे 91, इसकी 98। पेपर्स में रिजल्ट के वक्त से पूछा था, तुमने ऐसा क्या किया था जो मैंने नहीं किया, तुम्हें नंबर कट गए। और मेरे सर कहते दो नंबर कटवाए कहाँ ये बताओ। मैंने कहा सर शुक्र अदा करने लगा कि मैं 98 नंबर लेकर आई हूँ मैथ्स। इसका मतलब है फैसला हो गया है पढ़ाई में, आप ज्यादा अच्छी हैं ये बुरी हैं। ये है नहीं नहीं, मैं मेरा ये है कि मैं पूरे पूरे दिन पढ़ लेती हूँ और मिनाल सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेगी और मेरे जितने नंबर ले आती है। अच्छा इसका मतलब इंटेलिजेंट है ज्यादा, आपको पढ़ने का ज्यादा शौक है, इनको कम शौक है। कैसे आप हर जगह से मुझे बुरा बनाए ना। नहीं नहीं आप क्यों बुरा है, आप तो इतने अच्छे, आपके बाल हैं। आपके बाल क्यों फर्क हो गए हैं, क्या इन्होंने चेंज करवा लिया? एक लगाई है? नहीं नहीं ऐसे ही, मेरा दिल नहीं कर रहा था ऐसे बाल रखने का। अच्छा यानी इसका मतलब आपको ऐसे बाल नहीं पसंद? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे पसंद करती हूँ ना मजा। हाँ नहीं जा रहा उन्हें बीच में आए ना, मुझे भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? मैं कराची से आई हूँ आपका शो करने के लिए। शक्ल तो मैं रोजाना देखता हूँ, मैं आके क्यों ये शक्ल देख देख के। आप लोगों की अभी मिला के एज क्या होगी, क्या लगती है आपको? मिला के 15-15-30 होगी, मिला के 35 16-16 हाँ हाँ। बर्थडे थी हमारी 20 तारीख को। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट का है, गिफ्ट का है? नहीं नहीं नहीं, देखिए लिसन 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 लिसन, बर्थडे आपकी थी कि इनकी थी? दोनों की थी। देखिए हम बगैर गिफ्ट के बर्थडे जो ग्रीटिंग्स होती है, मैं एक्सेप्ट नहीं करते। ये गिफ्ट दिल को दिल को, मुझे बताइए आपको ये ट्रक पसंद है, ये मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। चश्मा मैं आपको, नहीं 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 इनको नजर नहीं आएगा यार। अच्छा चश्मा आपका हो गया, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे ये आपका पेपर चाहिए और ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। लाए दे 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 लाए ना दे दे ना ये मैं कसम साहब मारे इतनी दूर से ये ओ यार नहीं यार ये ले ये लो ये लो ये लो ये ऐसे करें एक पेपर आप ले ले एक मैं आपको चश्मे के बगैर देख रहा है क्योंकि इसमें से मुझे कुछ नहीं दिख रहा। इससे पहले आप कुछ और हो आप प्लीज ये लगा लें, ये ले ये चले यार दे 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 जल्दी। दिल तो नहीं करता आपकी इज्जत करने को यार। ठीक है यार तू बेशक जा यार, मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसी बात नहीं।